हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको बताओ, सैमसंग A52s में 1UI 6.1 का अपडेट आया था, उसके बाद अब रिसेंटली एक और नया अपडेट आ चुका है सैमसंग A52s में। इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किया गया या फिर क्या एड ऑन किया गया, उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग A52s के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ले जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको ले जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे, एंड देन वहाँ पर आप देखेंगे लास्ट अपडेट वाले ऑप्शन पे ले जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट मैंने इसको अपडेट किया है 12 जून 2024 8 बजे मैंने इसको अपडेट किया है। लगभग अभी 10-15 मिनट पहले ही मैंने इसको अपडेट किया है। इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए यहाँ पर, जैसे आप साफ साफ देख सकते हैं, इस अपडेट में सिक्योरिटी अपडेट किया गया है, सिक्योरिटी को इम्प्रूवमेंट किया गया है, और साथ में कुछ इन्हांस फीचर किए गए और साथ में कुछ परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट किया गया, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में एक यहाँ पर स्टार लगा के एक हेडलाइन दी गई, आफ्टर अपडेटिंग यू विल नॉट एबल टू डाउनग्रेड द ओल्ड सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ अपडेट टू सिक्योरिटी पॉलिसी। इसको अपडेट करने के बाद आप डाउनग्रेड नहीं हो सकते, तो हो सकता है इस अपडेट में कुछ ना कुछ बग हो आने वाले टाइम पे, या कुछ टाइम बाद आपको पता लगे। अब बात करें यहाँ पर, ये 1UI 6.1 का अपडेट है जिसके अंदर एंड्रॉइड 14 आपको ऑलरेडी दिया हो गया है। इसमें मई की सिक्योरिटी को एड ऑन कर दिया गया, जैसा कि 1UI 6.1 में आपको अप्रैल की सिक्योरिटी दी गई थी, अब इसके अंदर मई की सिक्योरिटी दे दी गई, जिसका साइज है अपडेट साइज 312 MB का ये अपडेट आया है। अभी रिसेंटली मैंने इसको अपडेट करा है, और अपडेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा मुझे कॉन्टैक्ट में इश्यूज हो रहे हैं। मेरे पास मिस कॉल आती है, नहीं दिखती है, कॉल आते हैं नहीं दिखते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, कभी दिखेंगे तो शाम के बाद, तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अलावा मुझे इस अपडेट, इससे पहले जो 1UI 6.1 अपडेट किया था उसके बाद कोई ज़्यादा बग नहीं लगे। वो वाला बग, कॉल वाला बग मेरे को ऑलरेडी पहले ही लग रहा था। इसके अलावा और कोई भी बग नहीं लगे, चलने में कोई इशू नहीं है, मस्त चलता है मोबाइल पर। जब हैंग मार जाता है कभी कभार तो बहुत ज़्यादा हैंग मारता है, बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है। उसके अलावा जैसे कि अगर आप इसको रनिंग करके चला के देखेंगे तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी अपडेट करने के बाद मैं आपके सामने इसको चला के देख रहा हूँ, कितनी सारी विंडोज़ मैंने खोली हैं या कितने सारे मैंने ऐप्स यहाँ पर ओपन कर लिए हैं, उसके बाद भी चलने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और वो इजीली वहाँ पर अच्छे से वर्किंग कर रहा है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपके सामने देखूँ तो आप देख रहे होंगे इजीली यहाँ पर आप पर वर्किंग करता हुआ आपको दिख रहा है, कोई भी यहाँ पर बग नहीं है। चाहे सेटिंग्स में जाके आप अप डाउन करके देख लीजिए तो भी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। चाहे आपके यहाँ से कॉल ड्रॉपिंग में, कॉल में भी जाके देखेंगे तो भी यहाँ पर कोई इशू नहीं दिख रही है। यहाँ गैलरी में जाके अगर आप फोटोज़ को ऊपर नीचे करके देखेंगे तो भी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब चलने में अभी फिलहाल तो कोई इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई भी ऐसा बग तो नहीं लग रहा है। हो सकता है इसके आने वाले टाइम पे मुझे बग लगे तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना के बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना है कि अपडेट कर लो, अपडेट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, थोड़ा क्या अपडेट कर लो, आपको सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगी है। अब बात करें एक AI के फीचर की, AI का फीचर इसमें एड ऑन किया गया है या नहीं किया गया, तो उसके लिए मैं एक फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। फोटो को ओपन करने के बाद एडिट पे क्लिक कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर AI का फीचर नहीं दिया गया। आप देखेंगे AI का फीचर अभी इसमें नहीं दिया गया। अगर आप टैप टू सर्च करके भी देखेंगे तो भी यहाँ पर आपको AI का फीचर नहीं दिया गया। मतलब 1UI 6 में आपको AI का फीचर नहीं मिलने वाला, ना कि कैमरे में भी कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ना आपको वहाँ पर कोई AI का फीचर दिखने वाले। तो यही जेन्युइन रिव्यू था A52s के अपडेट के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।